इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी होने के कारण प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया। तो जहां एक और बदमाशों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है, तो वहीं इंदौर में अलग तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आमतौर पर इस तरह के वीडियो और घटनाएं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एवं अन्य जगहों से सामने आते हैं, जहां पर महिलाएं लिफ्ट लेकर लूट की घटनाओं को अंजाम देती हैं। लेकिन इंदौर की सड़कों पर भी इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इसी तरह का एक घटनाक्रम सामने आया इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में। गांधीनगर थाना क्षेत्र में सुपर कॉरिडोर पर रात होते ही एक महिला अकेले खड़ी हो जाती है और जैसे ही वहां पर कोई अकेला वाहन चालक युवक या व्यक्ति निकलता है, उसे लिफ्ट के लिए रोकती है। आमतौर पर अकेले सुनसान इलाके में खड़ी महिला को देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से लिफ्ट देता है और जैसे ही व्यक्ति महिला को लिफ्ट देता है, उसके बाद जैसे ही सुनसान इलाके में गाड़ी पहुंचती है, उसके बाद महिला युवक को अकेले और सुनसान इलाके में रोककर झूठे आरोप में फंसा देने की बात पर लूटपाट की घटना को अंजाम देती है। इस दौरान कोई व्यक्ति विरोध करता है तो चाकू की नोक पर महिला लूट की वारदात को अंजाम दे देती है। वहीं किसी भी व्यक्ति को जब महिला रोककर लिफ्ट लेती है तो डियर कहकर संबोधित करती है, जिसके कारण कोई भी वाहन चालक उसे हाई प्रोफाइल महिला समझकर उसकी बातों में आ जाता है और आसानी से लिफ्ट दे देता है। इसके बाद महिला उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे देती है। वहीं महिला के द्वारा जिस तरह से क्षेत्र में आतंक मचाया जा रहा है, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल अब सोशल मीडिया पर जमकर घटना से संबंधित वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे किस तरह की कार्यवाही करती है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी को पूरे मामले में कुछ वीडियो मिले हैं और उसी वीडियो के आधार पर आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा रात्रि गश्त की जाएगी और यदि इस तरह की घटना सामने आएगी तो कार्यवाही की जाएगी। वहीं जिन लोगों से महिला के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, यदि वह शिकायत लेकर थाने पर आएंगे तो पूरे ही मामले में महिला के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वीडियो देखने पर मैंने थाना गांधीनगर को इसके संबंध में निर्देश दिए हैं। वीडियो में ये संज्ञान में आया है कि वो महिला, जैसे थाना बल पहचान पा रहा है कि इस प्रकार की घटना पहले भी अन्य थाना क्षेत्रों में हुई है, तो उसका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही जो जिसके साथ घटना हुई है, उस आवेदक के, उस फरियादी की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके उससे हम वो लेकर उस पर मामला पंजीबद्ध करें। और जिस तरह से वो महिला